कुछ लोगों को ऐसा लगता है जिस तरीके से वो एक बार अपने YouTube चैनल का कस्टम URL रख लेते हैं उसके बाद वो कभी चेंज नहीं कर सकते हैं अपने Facebook पेज के जैसे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अगर आपके पास Facebook पेज है, आपने एक बार उसका कस्टम URL रख लिया था लेकिन अभी आप चाहते हैं उसको चेंज करना, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। फेसबुक पेज का जो कस्टम URL है किस तरीके से चेंज किया जाता है इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। अगर आप चेंज करना चाहते हैं अपने फेसबुक पेज का कस्टम URL तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कितनी आसानी से आप अपने फेसबुक पेज का कस्टम URL चेंज कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ में आई नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करके ऑल कर देना। चलिए शुरू करते हैं। फेसबुक पेज के कस्टम URL चेंज करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से फेसबुक ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करें, अपना फेसबुक पेज को लॉगिन करें। उसके बाद यहाँ पर जिस भी फेसबुक पेज का कस्टम URL चेंज करना चाहते हैं उस पेज पर क्लिक करें। आप देख सकते हो ये मेरा टेक्निकल यार फेसबुक पेज है जिसका कस्टम URL टेक्निकल यार 0 है। अगर मैं यहाँ पे मोर ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ उसके बाद इसका लिंक को कॉपी करके हम अगर अपने ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो सबसे पहले तो आप लिंक देख लो, ये टेक्निकल यार 0 है। अगर मैं सर्च करूँ तो मेरा जो है अकाउंट ओपन होंगे। ओके, अब मैं कस्टम URL को चेंज करूँगा ओके आप लोगों के सामने। ओके, तो हम बैक आएंगे यहाँ पे ओके, और हम यहाँ से अपने फेसबुक पेज पे हैं, आप देख सकते हैं जिसका कस्टम URL टेक्निकल यार 0 है। चेंज करने के लिए हमें मोर वाले बटन पर क्लिक करना है, फिर ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको एडिट पेज वाले बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑप्शन पेज हेडर में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे आपको ये जो देख सकते हैं टेक्निकल यार 0 है, नीचे वाले में क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो ये चीज़ आ चुका है टेक्निकल यार 0। एडिट करने के लिए हमें नीचे में यहाँ पे देख लो ऑप्शन मिल चुका है। अगर हम 0 को हटा के यहाँ पे कुछ और, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल यार रखूँ तो ये अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मुझे 0 लगाना पड़ता है। अगर हम इसको चेंज करके टेक्निकल और उसके बाद जो है ट्रिपल ए रख के अगर मैं दूँ तो भी ये नहीं लेते हैं। ओके, मैं ट्रिपल ए करके देखता हूँ। देखो ट्रिपल ए करके ले लिया, टेक्निकल यार 0 पहले था, अभी टेक्निकल में यार में जो है ट्रिपल ए है। और आर यहाँ पे अगर हम क्रिएट यूजर नेम में क्लिक करेंगे तो देखोगे ये जो है मतलब चेंज हो चुका है। ओके, ये चेंज हो चुका है। ओके, अगर मैं ओके करूँ और यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो देखते ही देखते देखो पहले था टेक्निकल यार 0 लेकिन अभी हटके हो चुका है टेक्निकल ट्रिपल मतलब यार में ट्रिपल ए है, देख सकते हो टेक्निकल में यार में ट्रिपल ए है। ओके, तो आप जो है इसी तरीके से चेंज कर सकते हैं। अगर मैं अभी इसको लिंक कॉपी करके यहाँ पे अगर मैं खोल के आपको दिखाऊं लिंक कॉपी करके, ओके यहाँ पे मैं अपने ब्राउज़र में हूँ, यहाँ से हम न्यू टैब लेंगे। उसके बाद अगर हम इस लिंक को यहाँ पे पहले दिखा देते हैं, देख लो ये पहले वाला लिंक है टेक्निकल यार 0। अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो शायद से ये नहीं ओपन होंगे, ये नहीं ओपन हो रहा है। ओके, अगर मैं फिर से ओपन करके दिखा रहा हूँ, देख लो ये जो है नहीं ओपन हो रहा है। मैं इसको क्लोज करके एक न्यू टैब में फ्रेश करके आपको दिखा देते हैं, देखो ये जो है नहीं हो रहा है। ओके, तो अब मैं लिंक को यहाँ पे कॉपी करता हूँ फिर से, शायद लिंक कॉपी नहीं हुआ। ओके, और इस बार देखते हैं कौन सा लिंक कॉपी हुआ है। टेक्निकल यार 0 को हटा के अगर मैं ट्रिपल ए लगा दूँ, देख सकते हो, और आर लगा दिया, अगर मैं अब सर्च करूँ तो ये मेरा पेज देखो ओपन हो चुका है क्योंकि कस्टम URL जो है चेंज हो चुका है। सो गाइस, कुछ इसी तरीके से आप भी अपना कस्टम URL चेंज कर सकते हैं।